दुधिया दार्जिलिंग जिले में स्थित एक खूबसूरत स्थान है। इस स्थान का आकर्षण केंद्र यहाँ पर बहने वाली बालासन नदी है। पहाड़ों से बहकर आने वाली यह नदी एक खूबसूरत जलधारा में परिवर्तित हो जाती है, जो मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। दुधिया के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। दुधिया सिलीगुड़ी से मिरिक जाने वाले रास्ते के बीच में और पंखाबाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक स्थान है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और सिलीगुड़ी बस स्टैंड से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लगभग एक घंटे की ड्राइव पर यहाँ पहुँच सकते हैं। आप यहाँ मिरिक रोड या सुखना के रास्ते होते हुए आप आसानी से अपनी गाड़ी में इस स्थान पर पहुँच सकते हैं। आप दुधिया पंखाबाड़ी रोड होते हुए भी जा सकते हैं, जहां आप हरे भरे चाय के बागानों को देख सकते हैं। इस स्थान में जाने वाले रास्ते में आप यहां के खूबसूरत हरे भरे जंगल, चाय के बागान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख सकते हैं, जो यहां के दृश्य को और मनोरम बनाते हैं। दुधिया जाने के क्रम में आप यहां के स्थानीय बाजार बांगे बाजार जा सकते हैं और आप यहां के स्थानीय व्यंजन का आनंद उठा सकते हैं। थुप्पा, मोमो, टाइपू लगभग आपको सारे रेस्टोरेंट में और सड़क के किनारे स्टॉल में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए आप दुधिया ब्रिज को देख सकते हैं। यह पुल बालासन नदी पर बना ट्रस ब्रिज है, जो दुधिया और मिरिक को जोड़ने वाला एक पुल है। दुधिया से आप बालासन नदी के पार स्थित मिरिक जा सकते हैं। स्वागत करते हैं आपका मेरे इस YouTube चैनल में। अभी आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दुधिया का रिवर और हम लोग अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। खूब मस्ती करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए ठीक है। दुधिया एक शांत और मन को मोह लेने वाला स्थान है। यहाँ पर बहने वाली बालासन नदी जोरे पोखरी सुखिया से बहती हुई आती है और दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर बंगाल के मैदानी इलाकों में बहती है, जहां यह महानंदा नदी से मिलती है। पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है और यहां का पत्थर काफी देखने में काफी खूबसूरत और काफी अच्छा है और पानी काफी साफ और ठंडा भी है ना। जरूर बोलेंगे आप लोगों की यहां पर जरूर आइए, यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ का रास्ते देखिए, काफ़ी रास्ते पर पूरा चाय का बागान है वो देखिए, ठीक है। और ये रिवर जो कि अनबिलीवेबल, ये यहाँ का खूबसूरती है। ये है सिलीगुड़ी और ये है दुधिया, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पानीघाटा जाने वाले रास्ते से भी इस स्थान पर आ सकते हैं। आप यहाँ
नदी के किनारे कुछ समय बिता सकते हैं और नदी का आनंद लेने के अलावा आप यहाँ अन्य गतिविधियाँ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप पिकनिक के लिए पानी घटा पिकनिक स्पॉट, दुधिया पिकनिक स्पॉट जा सकते हैं। आप यहाँ कैंपेनिंग और ट्रैकिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ नदी के आसपास सशस्त्र बलों की एक शूटिंग रेंज है जिसे आप देख सकते हैं। दुधिया खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है। दुधिया ब्रिज को पार करके आप मुक्ति खोला व्यू पॉइंट जा सकते हैं। आप इस रास्ते पर अपने चारों ओर खूबसूरत नजारे का आनंद उठा सकते हैं। दुधिया चाय के बागानों से घिरा हुआ है, जैसा कि लॉन्गविंग टी गार्डन, घयाबारी टी गार्डन, मरियन टी गार्डन और पानीघाटा टी गार्डन। यहाँ पर आप खूबसूरत चाय के बागानों को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जब दुधिया जाने वाले रास्ते पर थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऊपर जाया जाए, ऊपर मिरिक जाने वाले रास्ते में। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे चारों ओर टी गार्डन है। यहाँ खूबसूरती देख सकते हैं, मेरे चारों ओर देखिए पूरा टी गार्डन है। आप सिलीगुड़ी में रुककर बहुत आसानी से इस जगह घूमने आ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।